अरे यार तू कितना भारी है, ऊपर से तेरे जूते भी कितने स्मेल मार रहे, कभी तो धो लिया कर। अबे यार तू जान लगा बस, और मेरे जूतों का छोड़, वैसे भी मुझसे नीट एंड क्लीन लड़का इस पूरे स्कूल में कोई नहीं है। हाँ साले, जब भी हर असेंबली के पीछे छुपकर अपने नाखून दांतों से काटता है साले घिनौने। अबे यार ये सब ये जगह डिस्कस करने का नहीं है, चुपचाप इसको ऊपर चढ़ाओ। सही कह रहा है यार, जल्दी कर, अगर पीटी आ गए तो अपने तीनों को फ्राइड चिकन बना देगा, जल्दी कर। ऐसे भागे जा रहे हो क्या? पढ़ने लिखने आते हो या ऐसे बंक मारने आते हो यहाँ पर? तुम्हारी माँ का स्मार्ट समझ रहे हो अपने आपको? अरे सर 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 सर, सुबह से 59 बच्चे कूद कर जंप बंक मार चुके हैं है? मैं उसको वापस लाकर सालों के बीच पे भटावट करके, और तुम अपने आपको स्मार्ट समझते हो? सर वहाँ देख, हम ओलंपिक की प्रैक्टिस कर रहे थे, हमें इंडिया के लिए गोल्ड लाना है। वाह वाह मेरे शेर वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर तुम दोनों कहाँ भाग रहे थे? सर आई एम द कोच सर, जंप जंप। बस 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 मेरे लाल, हो गया बस बस, आई विल गेट इट। एंड यू थर्ड पर्सन, वेयर आर यू गोइंग? मैं तो बंक मार रहा था। ओ बंको तेरी माँ की। ओके स्टूडेंट, आई एम नॉट पनिशिंग यू फॉर बंकिंग टुडे, नॉट पनिशिंग, गॉट इट? ओके सर, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी गुड। बिकॉज टुडे माय रामलाल विल गिव यू पनिशमेंट। रामलाल चल रहे मुर्गा बन, चल तू भी बन, तू कुछ स्पेशल है, चल भाई मुर्गा बन। सर मुझे याद आया, मुझे इंचार्ज मैडम ने बुलाया था पापा के साथ। हाँ हाँ मेरे को ही तो बुलाया था इसके साथ। अरे मिट्टी पलित बुद्धि, बाप थोड़ी है तू उसका। बेटा ज्यादा नहीं, बस एक छोटा छोटा सा एक एक ले लो, बस एक एक। बालको कल होमवर्क दिया था, कौन कौन करके नहीं आया, और जो नहीं आया उसकी तो दाई तोड़ूंगा मैं। मैं तो करके लाया हूं सर। वैसे कौन कौन नहीं लाया? सर मैंने नहीं किया होमवर्क, मेरा होमवर्क पूरा नहीं है। अरे बेटा बेटा मुझको पता है, कल तेरे पेट में दर्द हो रहा था ना, इसीलिए तू होमवर्क करके नहीं आया। नहीं नहीं तो सर। मैं समझ गया, तेरे पापा ने कोई हैप्पी ड्यूटी देख का काम दे दिया होगा, इसीलिए तूने होमवर्क करके नहीं आया। सर मेरे पापा तो मनाली गए पड़ोस वाली आंटी के साथ। फिर तो बेटा जरूर तूने अपनी कॉपी इन्हीं किसी ना किसी हरामखोरों को दे दी होगी, क्योंकि तू दयालु जो है। नहीं सर मैं तो एक नंबर का हरामजादा हूँ, मैं सामने वाले को खा जाऊँ, मैं क्यों दूंगा किसी को अपनी कॉपी। अच्छा बेटा तू ही बता क्यों नहीं किया होमवर्क? वो क्या है ना सर, मैं डोरेमोन देख रहा था, डोरेमोन देखे बिना मेरे गले से खाने का एक निवाला भी नहीं उतरता। अच्छा तो कितना अच्छा काम कर रहा है तू, आने वाले वक्त में देश के लिए एक बहुत ही होनहार साइंटिस्ट मिलेगा, और वो और कोई नहीं तू होगा। है, है। भाई डोरेमोन देखकर साइंटिस्ट कौन बनता है यार? आइंस्टाइन भी डोरेमोन देखता था क्या? सर ये तो गलत बात है, बिल्लू पिछली बार भी होमवर्क करके नहीं लाया था क्योंकि उसका सीधा हाथ कटा था, और आपने उल्टा भी काट दिया, ये तो डोरेमोन देख रहा था। चुप, तुम्हें पता भी है डोरेमोन देखना उसके लिए कितना जरूरी है साइंटिस्ट बनने के लिए? सर ये तो बिना सर पैर की बात कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी होता है। चुप करो, अपना अपना होमवर्क दिखाओ मुझे। भाई बिल्लू गुप्ता सर के पास ट्यूशन थोड़े पढ़ता है, देखा गुप्ता सर के पास ट्यूशन पढ़ने के फायदे। चुप, कल मैंने टेस्ट लिया था ना, जिस जिस के नंबर कम आए हैं वो लोग रेडी रहना गुप्ता सर के रेपटा खाने के लिए, ठीक है? मेरे तो सर 20 में से 20 है। मेरे 18, मेरा 19.5, और सर मेरे भी 20 में से 20 आए हैं। अरे वाह बच्चों क्या बात है, लग रहा है सारे के सारे सीजन टॉप कर जाएंगे। अच्छा वैसे टिंकू तेरे कितने हैं? सर मैं तो फेल हो गया, 20 में 2 ही आए हैं, पता नहीं ये 2 भी क्यों आए हैं। अरे यार हर बार इसी के नंबर क्यों कमाने होते हैं? चल पेपर लेके जरा इधर।
फिर चेक कर लो जरा। अरे यार ये तो ठीक है, कल मेरे पेन की स्याही खत्म हो गई थी, 2 kg डालना भूल गए थे, ये लो हो गया। भाई ये तो इलीगल एक्टिविटी है। अबे चल ना, लीगल हो या इलीगल, मैं तो अब गुप्ता सर से ट्यूशन लूंगा। सर ये लो 2 महीने की एडवांस फीस। नेक्स्ट डिसीजन बेटा जी, आ जाना आज शाम को 6 बजे। देखा तो बिल्लू भी गुप्ता सर से ट्यूशन पढ़ेगा, मानता है कि नहीं? चल चुकी है। यार तेरी मम्मी क्या खाना बनाती हैं, वाह बस नहीं चलता मैं खाने के साथ हाथ खा रहा हूँ। चल पागल, ये मेरी मम्मी ने नहीं मैंने बनाया ये खाना, और मेरे को पता है ना ये कितना पसंद है तुझे। तू बड़ा ध्यान रखती है यार, मैं सच में तेरे जैसा दोस्त मिलना सोना हाथ लगने जैसा है। अच्छा जी, ऐसी बात है? ओ शिट, क्या हो गया? अरे यार ये शर्मा जी का असाइनमेंट आज ही करना था क्या? मैं तो भूल गया, मुझे पापा के साथ बुआ के घर जाना है, अगर मैंने असाइनमेंट नहीं किया शर्मा मेरी वाट लगा देगा, क्या करूं? ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है और कंसीडर भी किया जा सकता है, तू रिलैक्स रहे ना, चिल, मैं हूं ना, अगर तू कहे तो मैं तेरे बिहाफ पे मैं तेरा असाइनमेंट कर देती हूं। सच्ची? हाँ। फिर तेरा कौन करेगा? अरे डम्बो, मैं हूं ना, कौन सा किसको पता चल रहा है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। यार थैंक यू सो मच, तू कितनी ऑसम है यार, थैंक यू सो मच। भाई एक बात बता, वो तेरे लिए हर चीज़ करती है, तेरा होमवर्क करती है, असाइनमेंट करती है, तेरे लिए स्पेशल लंच भी बना के लाती है, कहीं उसको तेरे से प्यार तो नहीं हो गया ना? अबे सुन, वो करती है या नहीं करती है मेरा कुछ घट तो नहीं रहा है, फ्री का लंच खाने को मिलता है और बिना मेहनत किए सारे असाइनमेंट पूरे हो जाते हैं। भाई थोड़ा तो सोच यार उसके लिए, जो उसके लिए तेरा एटीट्यूड है पीठ पीछे, अगर उसको पता चल गया तो यार कितना हर्ट होगा। हर्ट हो ना मेरी भला से, तू इतनी चिंता काय करता है, कहीं तू तो लाइक नहीं करता? ऐसा नहीं है ब्रो, मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है, कोई साथ में रह के ऐसा करता है कैसा फील होता है और कैसा लगता है। अबे बिन वजह सिस्टम में रह ले तोरा, तुझ में क्यों कीड़ा काट रहे हैं? अगर वो लड़की शुभम को पसंद करते हैं मैं बताऊँ, तू ना जलता है उससे, उसे पसंद करने वाला बहुत है पर तुझे कोई नहीं। यार तुम लोग मेरी बातों को गलत वे में लेके जा रहे हो, कोई ज़रूरी थोड़ी इसे वो पसंद करती होगी, इतने एफर्ट्स के पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है। अरे चूतिया चुप हो जा, कब से चपर चपर बोले जा रहा है, शांत नहीं रह सकते हो क्या? चल हट, हवाने दे। इतना पसंद करता है तू जाके बोल क्यों नहीं देता? यार वो सामने देख,
वो मेरे से नहीं उससे प्यार करती है, और मैं उन दोनों के बीच में पढ़ना भी नहीं चाहता यार। लेकिन ऐसे मन में रखने से क्या होगा, और तू जानता है ना वो शुभम उस लड़की को सिर्फ यूज़ कर रहा है, और वो लड़की भी ना जाने उसके पीछे क्या क्या कर रही है। उसे जाकर अपने मन की बात बता और उसे अपने से प्यार करा। प्यार ऐसे थोड़ी ना होता है, एनीवेज वो मेरी किस्मत में नहीं थी, और रियलिटी शायद मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। भाई लेकिन सुन तो सही, हे भगवान तू भी क्या ही करता है, साला जो जिसे इतनी मोहब्बत करता है तो उसको नहीं किसी और शख्स को उसकी बाहों में सुलाता है। अच्छा मेरा सवाल था एक मन में। हाँ बोल। डोंट गेट ऑफेंड, मैं ये जानना चाहता हूँ तू इतने एफर्ट्स मेरे लिए देती क्यों है, मतलब व्हाई? देख मेरे को पता था कि तू एक बार ये जरूर मुझसे पूछेगा, क्योंकि तेरे दिमाग में तो कुछ और ही हिट कर रहा था कि मैं तेरे को लाइक एंड ऑल करती हूँ, राइट? बट यार एक साल पहले मैं अपने भाई को खो चुकी हूँ, और उसको एक्सीडेंट में खोकर मैं पूरा बिखर चुकी हूँ। यार मैंने तेरा काफ़ी एडवांटेज लिया इस फीलिंग के चलते, सो सॉरी। मेरा अगर सगा भाई भी होता तो भी मैं ये सब कुछ उसके लिए करती, उसका होमवर्क और उसके लिए लंच लाना, ये सब कुछ। तुझे पता है मेरा दोस्त सूर्य हमेशा से मुझे यही समझाता आ रहा है कि मैं तेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हूँ, तेरा एडवांटेज ले रहा हूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि मैं तू मुझसे प्यार करती। यू नो तुम्हारा वो जो एक दोस्त है देख मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो, यार 3 महीने से ट्राई कर रही हूँ लेकिन बैड लक। तो तू उसे लाइक करती है? मतलब हाँ कह सकते हो। Something that feels so big, and all that I'm left with's a dry throat. I lose my head when you call me up and ask if I'm all the trick